बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम झटपट सहरी में बनाने जा रहे हैं मटन मसाला, जो कि हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। तो ये बहुत ही जल्दी झटपट डिश बनेगी। तो हमने लिया है आधा किलो मटन बोनलेस, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसमें हम डाल देंगे 2 ग्लास पानी। पानी आप इतना डालें कि ये जितना आपने टाइम लगाना है इसको गलाने के लिए, उसमें वो पूरा खुश्क हो जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। तो ये हमें लगेंगे कोई 12-13 मिनट। तो इलाके के हिसाब से आपको जितने मिनट लगते हों और जितना पानी आपको उसमें सूट करे उतना आप डालेंगे। जब तक हमारा मटन हो रहा है तब तक हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेंगे। एक हमने प्याज ली है बड़े साइज़ की, 2 टमाटर और अदरक लिया है कोई 2 इंच का टुकड़ा। तो इनको हम सारी चीज़ों को बारीक चॉप कर लेंगे। ये इस तरह हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे इसको। जब तक हमारा गोश्त हुआ है हमने ये सारी चीज़ें बिल्कुल चॉप कर ली हैं। अब मैं मसाले भी सारे बता दूं। ये मिक्स गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, ये मेरा होममेड मिक्स गरम मसाला है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ भुना हुआ कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और खुशक धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। चूँकि नमक हमने डाल दिया था मीट में, तो इन चीज़ों के लिए ही नमक हमें चाहिए होगा। और ऑयल हम इसमें डालेंगे 2 से 3 सर्विंग स्पून जो हैं वो वाले। ये हमने 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा लिया है, और अभी भी पानी थोड़ा सा है, वो मैं तेज़ आग करके तो इसको ड्राई कर लूँगी। थोड़ा सा पानी हमने बिल्कुल खुश कर लेना है। और ये आप देखें, मीट हमारा सॉफ्ट हो चुका है। ml हमने ऑयल डाला है, 1/3 कप। लहसुन और अदरक को हल्का सा हम पकाएंगे। लहसुन और अदरक हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने इतना पकाना है कि बस हल्का कलर पिंक इसका हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये हल्का पिंक कलर हो चुका है इसका, इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना। अब हमने जो मटन को काटा था वो डाल देंगे। पूरे मसाले हमने डाल दिए, सिर्फ मिक्स गरम मसाला जो है वो नहीं डाला। अब हम इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर, ताकि इसका जो प्याज का पानी है वो भी खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए और सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह आ जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो उसके बाद हम टमाटर इसमें ऐड करेंगे। ये हमने भून लिया है, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, बिल्कुल प्याज का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब टमाटर को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और इसी पानी में ये और ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट पक जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप पानी, 85 ml है, और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ढाँप देंगे मीडियम टू लो आग पे। आग हमने कम कर दी। 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको थोड़ी तेज़ आग करके थोड़ा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और इसको भून लेने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ी सी हल्की ग्रेवी हो, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको
चार पाँच मिनट के लिए ढांप के पका लें तो हल्की सी इसमें ग्रेवी आ जाएगी। अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहें खुशक जैसे कि ये है तो फिर तो ये तैयार है बिल्कुल। ये हमने इसको एक मिनट के लिए तकरीबन भून लिया है मीडियम आग पे और ये हमारा मटन मसाला तैयार है। अब हम इस पे डाल देंगे मसाला, मिक्स गरम मसाला। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे धनिया और पुदीना के चंद एक पत्ते, ये पूरे पत्ते हैं हाथ से ही थोड़े से तोड़ के, तो मैं इसको भी डाल दूंगी। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, फिर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे कैसी बनी। और साथ ही साथ दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।